साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो जिसमें बस मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसीलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आप शीतल होय कबीरा, आप शीतल। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं पल लागे अति दूर कबीरा, पल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न को, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय कबीरा, तो दुख काहे हो। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं पर सुख के समय कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों।